Hi friends, welcome back. तो आज मंडे है एंड अभी बज रहे हैं सुबह के इट्स अराउंड 8:50 एंड आज राय का स्कूल बंद है क्योंकि यहाँ पे वेटरन्स डे है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी ऐसा घूमने के लिए नहीं, एक्चुअली हम लोग का काम है डिज्नी स्टोर में क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे मॉल है ना, लाइक एक अच्छा वाला मॉल है जहाँ पे मैं कभी कभी जाती हूँ, फिर एक मेरा फेमस गंदा वाला मॉल है जो आप सबको तो पता ही है कैसा है. तो वो दोनों मॉल में ही ना डिज्नी स्टोर नहीं है एंड और एक मॉल है जहाँ पे बहुत सारे अभी मिसल्स हो रहे हैं वो एरिया में, तो वहाँ पे हम लोगों ने जाना ही बंद कर दिया है. तो अभी ले दे के न्यूयॉर्क सिटी में एक डिज्नी स्टोर है एंड लाइक दिस इज राइज हॉलीडे एंड फिर नेक्स्ट हॉलीडे थैंक्स गिविंग को है, तो थैंक्स गिविंग को तो कैसे बाहर जाएंगे, नहीं हम लोग नहीं जाते हैं. एंड मैं किसी ना किसी को तो घर पे बुलाती हूँ, वहाँ पे है राय. तो इंडिया हो तो अभी हम लोग लाइक एक ही आज वेकेशन है वेयर वी कैन गो टू सिटी न्यूयॉर्क सिटी, और फिर नहीं होगा क्योंकि दिसंबर में समथिंग एल्स इज गोइंग टू हैपन. तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो लेट मी गो एंड हम लोग सिर्फ जाएंगे, वी हैव टू बाई सम थिंग्स तो हम लोग खरीद के फिर आ जाएंगे. एंड या अभी हाथ एक्चुअली ठीक ही है. अभी चले गए एंड अभी मैं और राय पहले हम लोग कुछ खाएंगे, मैंने तो कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है तो कुछ खा के, या राय ने मैंने राय को थोड़ा ओटमील खिला दिया था तो अभी खा के हम लोग फिर चले जाएंगे डिज्नी स्टोर एंड वहाँ से काम खत्म फिर विल गो होम. एंड ये है ग्रैंड सेंट्रल जो शायद मैंने हज़ार बार आप सबके दिखाया है. तो हम लोगों का खाना पीना ख़त्म एंड अभी हम लोग जा रहे हैं टाइम्स स्क्वायर, वहाँ पे डिज्नी स्टोर है. एंड न्यूयॉर्क सिटी में जब भी आओ ना, अभी डेली आओ तो अच्छा नहीं लगता है ना, एक भाई अभी विल से तो पागल हो गया, किसको अच्छा लगता है डेली आना. पर एक्चुअली यस, पर हम लोग का ऐसा विलेज इज सो बोरिंग ना, तो यहाँ आओ तो चहल पहल बहुत ही अच्छा लगता है एंड इट्स ऑलवेज क्राउडेड, लाइक ठंडा हो स्नो पड़े कुछ भी हो ऐसा कभी भी नहीं होता है दैट यू विल सी एम्प्टी, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है. तो अभी जल्दी चले जाएंगे, यहाँ से विल टेक अराउंड 10 मिनट्स. देर में ही हम लोग पहुंच जाएंगे एंड मैं अभी वह सेंग कि तुम ज़्यादा ऐसा कुछ हेवी मत खरीदना क्योंकि आज ही चांस है, नहीं तो मैं जैसे बोल रही थी देर आर नो मोर हॉलीडेज एंड ऐसा तो मैं अकेले भी आ सकती हूँ यू नो विथ माई हबी एंड सेम. पर राय जब स्कूल में रहती है ना, आई फील वेरी स्केयर्ड लाइक टू कम हेयर एंड पता नहीं, मुझे ऐसा हर वक्त लगता है कि मैं आस पास ही रहूँ, मैं थोड़ी वियर्ड हूँ आप सबको तो पता ही है. बहुत ही क्यूट डॉगी था. पर अभी भी सिटी में क्रिसमस का डेकोरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, मे बी आफ्टर 15 नवंबर के बाद स्टार्ट हो जाता है.
टाइम स्क्वायर का ये डिज्नी स्टोर हर वक्त बहुत क्राउडेड रहता है एंड दे हैव डेकोरेटेड इट ब्यूटीफुली फॉर क्रिसमस. तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं डिज्नी स्टोर में एंड ये आपका डिज्नी स्टोर एक्चुअली बहुत अच्छा है. वो जो मिजल्स वाला मॉल है उससे तो बहुत ही अच्छा है. चलिए तो लेट मी स्टार्ट डूइंग शॉपिंग नाउ. सीमा हो गया है एंड यहाँ पे आना मैं बोलती हूँ ना बहुत ही अच्छा लगता है. तो अभी हम लोग चले जाएंगे एंड फाइनली हम लोगों का हो गया है. हम लोगों को लगा था ना कि अरे 10 बजे ऐसे हम लोग आईबीपी रीच करें 10:30 ना 10:30 तो है. थोड़ा लेट ही हम लोग पहुँचे तो नाउ इट इज़ 11:47 एंड हम लोग 12 बजे का ट्रेन पकड़ने की कोशिश करेंगे. पता नहीं होगा कि नहीं. एंड राय ने हेवी वाला बैग लिया है. राय वॉज लाइक मेरे हबी बोल रहे थे राय तुम मम्मी का ध्यान रखना तुम हेवी वाला बैग लेना. तो बोल भी रही हैवी है. Let's not go. Okay, let's run. So, chaliye, let's see whether we can catch the train or not. फाइनली हम लोग पहुंच गए एंड अभी ढूंढना है मुझे मेरे हबी का कार क्योंकि यहाँ पे ना उबर लाइक बहुत ही लेट आता है. तो मैं उनका कार लेके चली जाऊंगी एंड फिर शाम को जब वो आएंगे विल लाइक मैं उनको फिर लेने आ जाऊंगी. तो वही मुझे अभी ढूंढना है कहाँ है. जनरली ये लाइक यहाँ पे लोग रहते हैं ना सो दे ओनली ब्रिंग द कार पर आज क्योंकि हॉलीडे है दे आर नॉट देयर. I think so. That one, na ma. Yeah. Okay. So let me find his car now. घर पहुंचने के बाद फर्स्ट थिंग इज कि मैं फिर से ड्रेसिंग कर रही हूँ एंड राय बहुत ही एक्सपर्ट है. तो राय नहीं तो मेरे हबी दोनों ही में से कोई मुझे हर वक्त करके देता है क्योंकि इट्स गुड टू कीप इट लाइक नीट एंड क्लीन. तो ऐसा तो सब कुछ ही ठीक है. ओनली द वन प्रॉब्लम इज कुकिंग करने के टाइम यू नो बिकॉज क्या हुआ था मैंने ऐसा करके उसको पकड़ा था ना वो हैंडल को पकड़ा था तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम हो गया एंड तो अभी मैं क्या करूं. कल मैंने राइस बनाया था लाइक अभी वॉज देयर ना तो ही डिड ऑल द थिंग्स एंड ऑल वो राइस को ये सब करना एंड ऑल. तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ही हम लोग एक फ्राइड राइस बना के खा लेंगे जो लेफ्ट ओवर राइस है उससे एंड रात में मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ. पर रोटी बनाना इज सो टफ यार कैसे करके इस हाथ से मैं रोटी बनाओ एंड कैसे तो रोटी तो नहीं होगा एंड बाल वाल मारने में भी प्रॉब्लम हो रहा है. तो राय है तो शी हेल्प्ड मी. राय ने मुझे हेयर टाई करके भी दे दिया है.
तो चलिए अभी मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ एंड अभी मैं क्या रेसिपी दिखाऊँ और इस कंडीशन में. एंड थैंक यू ऑल, आप लोग सब लोग, यू ऑल आर सो मच कंसर्न, थैंक यू सो मच. एक्चुअली उस दिन ना, ट्रस्ट मी, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सब लाइक आई टोल्ड माई हबी ऑल्सो दैट यू नो शुड आई वॉन्ट टेल एनी वन इन माई चैनल. लाइक अगर मेरे हबी ने ना जोर नहीं दिया होता देन आई कुड हैव नेवर टोल्ड यू ऑल ऑल्सो. मुझे लगा क्या बोलना, क्या लाइक आई वॉज फीलिंग क्या बोलूँ, मुझे बहुत ही अच्छा शर्म लग रहा था, इतना बड़ा गलती मैंने किया ना, तो आई वॉज फीलिंग वेरी लाइक मुझे बहुत ही ऐसा गिल्टी फीलिंग्स हो रहा था. सो फॉर इमरजेंसी पर्पस मेरे फ्रीजर में हर वक्त ही थोड़े फ्रोजन वेजिटेबल्स रहते हैं, तो उस एंड एग्स तो रहते ही है, तो आई एम मेकिंग ए वेरी सिंपल एक वेजी फ्राइड राइस एंड यहाँ पे राई भी आ गई. लाइक सभी लोग मुझे हेल्प करके दे रहे हैं, तो बहुत ही इजीली रेडी हो गया है. एंड ये मैंने लेफ्ट ओवर राइस से बनाया है. मुझे लगता है फ्राइड राइस ना लेफ्ट ओवर राइस से सबसे टेस्टी होता है खाने में. तो फ्राइड राइस खाने में ठीक ही हुआ था, पर मोस्ट ऑफ यू आप लोग समझ सकते हैं राइट, हम लोग डेली कुकिंग करते हैं एंड क्या बोलूँ, किसको अच्छा लगता है कुकिंग के बगैर रहना. एंड द प्रॉब्लम इज ना, मैंने हैंडल को ऐसा पकड़ा था ना, तो ये साइड ही लाइक थोड़ा बर्न हुआ है, दिस साइड ओनली. तो एनी हाउ देखते हैं मैं कल से क्या करती हूँ, क्योंकि कल से राय का स्कूल है एंड देट इज समथिंग गिविंग हर लंच बॉक्स एंड ऑल. थोड़ा तो मुश्किल हो रहा है बट आई होप सो जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी एंड आई शो यू ऑल कि मैं क्या खरीद के लाई हूँ, क्योंकि आज अगर हम लोग नहीं जाते ना, और होता ही नहीं फिर थैंक्स गिविंग एंड उसके बाद लाइक पॉसिबल नहीं था. तो कल मेरे हबी बोल रहे थे क्या जरूरत है जाने का, छोड़ो तू. मैंने बोला नहीं, मुझे जाना ही है, जाऊंगी एंड यू नो हम लोग लाइक जाएंगे या ना जाएंगे पर मुझे जाना ही है, नहीं तो नहीं होगा. तो दिस बैग आई वॉन्ट शेयर विथ ऑल ऑफ यू मैंने क्या खरीदा है, शायद आफ्टर सम डे आई विल शेयर, बट अभी मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये हम लोगों के लिए नहीं है. मैं राय का ही दिखाती हूँ. तो दिस ऑल आर विंटर वेयर्स एंड ये एक जैकेट है, ये सब बहुत ही कंफर्टेबल होता है पहनने में. तो आई गॉट दिस जैकेट, अभी ऐसा है, यहाँ पे हैट है, ऐसा हो जाएगा, हैट ने क्या बोलते हुडी सॉरी मैं हैट बोल रही हूँ. तो ये एक राय के लिए सभी, देन ये भी एक राय के लिए. दिस इज वाली, क्या एक मूवी आया था ना वाली डिज्नी का, मुझे ये मूवी बहुत अच्छा लगा था. सो दिस ऑल आर कम्फर्टेबल फॉर विंटर वेयर्स. एंड राय ना थोड़ा अभी बड़ा साइज पहनती है, वो क्या बोलते ओवर साइज उसको बहुत पसंद है, अभी ये क्रेज है मिडिल स्कूल में, सब लोग ओवर साइज पहनते हैं. फिर ये एक, दिस इज वेरी क्यूट, दिस फॉर माई हबी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है स्टार वॉर्स, तो आई थॉट लेट मी गेट दिस वन फॉर हिम. कुछ ये कैरेक्टर को कुछ बोलते हैं राइट, आई मुझे स्टार वॉर्स एंड ऑल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो दिस इज फॉर हिम. तो पता नहीं उनको होगा भी नहीं है, राय बोल रही है अगर डैडी को नहीं होगा तो सिम्स वो ही पहन लेगी, उसको सब कुछ लाइक बड़ा बड़ा, वो मेरे हबी का ही हर वक्त जैकेट पहन के घर में घूमती रहती है. तो चलो हो गया एंड क्या, बस मैं आगे, मैंने मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदा, आई डिडंट गो टू सिफोरा, कुछ लाइक मिशन था मुझे जाना था डिज्नी स्टोर में, वेंट खरीदा फिर ट्रेन पकड़ के घर आ गए. ऐसे तो मैं प्लास्टिक के बहुत खिलाफ हूँ, आप लोग सबको तो पता ही है मैं प्लास्टिक का कुछ भी नहीं रखती हूँ घर में, पर लकीली मेरे पास एक प्लास्टिक था एंड माई हबी इज लाइक देखो प्रॉब्लम आया है अभी ये सब छोड़ो. तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको सिर्फ प्लास्टिक के अंदर हाथ को घुसा के फिर इसको अच्छी तरीके से ऐसा करके, यहाँ पे मेरा एक बैंगल है ना, बैंगल के अंदर ऐसा कर लेते हैं, लाइक मैं ऐसा ऐसा करके ही नहाती हूँ ताकि इसमें ज्यादा पानी ना लगे एंड इट इज वर्किंग प्रीटी गुड. तो इस तरीके से मैं नहाती हूँ, दिस ऑल आर रियल लाइफ प्रॉब्लम राइट, ये सब कुछ ऐसा होता है ना बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स, ये असली में प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा ही दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू. तो अभी मैं नहाऊंगी एंड फिर मुझे लेके जाना है राय के एक्टिविटी को, बट आई कैन ड्राइव कार लाइक, क्योंकि मुझे वो ही सबसे ज्यादा कंसर्न था कि खाना तो बाहर से ला सकते हैं पर राय का एक्टिविटी कैसे करके जाए. वन डे यू कैन टेक उबर, डेली डेली उबर लेंगे तो
सभी पैसा उबर में ही चला जाएगा. तो ही वॉज लाइक ऐसा यू नो अच्छी तरीके से टाई करके यू कैन ड्राइव, क्योंकि ड्राइविंग में भी प्रॉब्लम नहीं होता. मैं बोलती हूँ ड्राइविंग में आई कैन डू लाइक दिस. ये जो है ना वो कच्ची चलाते वक्त ही आप लोग देखेंगे वी नीड दिस वन. तो इसीलिए मुझे कुकिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. एंड कुकिंग थोड़ा गर्म लाइक गर्म लगता है ना, गर्म लगता है तो लाइक थोड़ा ऐसा क्या बोलो थोड़ा जलता है. तो इट्स गुड अगर मैं क्या बोलो थोड़ा दूर रहूं, पर देखते क्या करते हैं. तो चलिए दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. आई होप सो आप सबको आज का वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि थोड़ा बाहर था, वी वेंट टू द सिटी एंड बाहर जाते हैं तो थोड़ा तो अच्छा लगता ही है. एंड इसके बारे में और नहीं सोचते हैं, जो होगा एवरीथिंग हैपन्स इन लाइफ. क्या कर सकते हैं मैं बोलूँगी, दिस इज लाइफ. अच्छा दिन भी आएंगे, खराब दिन भी आएगा. खराब दिन आएगा तो फिर हम लोगों को उसको सब कुछ ठीक करना है ताकि जल्दी से अच्छा दिन आ जाए. एंड अगर पसंद आया है तो मैं बहुत दिनों के बाद बोल रही हूँ, एक लाइक दीजिएगा मुझे, नहीं न्यूयॉर्क सिटी को दीजिएगा. एंड यार जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब. सो बाय बाय.